अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHFA 6 लाहौर के अंदर, जहां पर हम विजिट करेंगे वन कनाल क्लासिकल डिजाइन हाउस का टूर, जिसकी लोकेशन DHFA 6 के प्राइम ब्लॉक में लोकेटेड है। 60 फीट वाइड कारपेटेड रोड के ऊपर ये घर लोकेटेड है, जो कि मेन बुलेवार्ड से अराउंड 200 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ये लोकेटेड है। फुली डेवलप्ड स्ट्रीट आपको ये मिलेगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन की गई है। कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल इस वीडियो के अंदर इंक्लूड है, इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो आपको 5 बेडरूम और 6 बाथ जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। 5200 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है और 50x90 की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके ऊपर जो है ये घर कंस्ट्रक्टेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर एक्सटीरियर का रिव्यू करवा दूँ तो आप ये देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर आपको प्रॉपर जो है वो लैंडस्केपिंग मिलेगी, जिसके कॉर्नर के ऊपर आप प्लांटर देख सकते हैं। 6 फीट की हाइट के ऊपर इसकी कंप्लीट बाउंड्री वॉल है, जिसको टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस के साथ कवर्ड किया गया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ऑलरेडी 6 CCTV कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं और फायर एक्सटिंगुइशर जो है वो कंप्लीट आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है वो मिलेंगे। उसके बाद अगर हम एलिवेशन की तरफ चलें तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट इसका जो एलिवेशन है वो ट्रेवर्टाइन के साथ कवर्ड किया गया है और बिल्कुल लाइट थीम के अंदर आपको इसका कंप्लीट जो है वो एक्सटीरियर का एलिवेशन मिलेगा। मिड के अंदर आप ये देख सकते हैं डिज़ाइंड और टॉप के ऊपर आपको स्पॉट लाइट्स का जो है वो यूज़ मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं रैंप के ऊपर और अगेन रैंप के ऊपर आपको टफ टाइल मिलेगी, ऑफ वाइट कलर के अंदर स्लाइडिंग गेट मिलेगा, जो कि रॉट आयरन के साथ डिज़ाइन किया गया है और प्राइवेसी के लिए आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट शीट का यूज़ किया गया है। तो गेट से एंटर होते ही साथ आपको कार गिराज की स्पेस मिलेगी, 3-4 कार की पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पर फ्रंट के ऊपर मिलेगी बैक टू बैक, और एज पर DHA बायलाज आपको 5 फीट का वाइड जो है वो पैसेज आपको दोनों साइड्स पे मिलेगा। राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको इनर गार्डन मिलेगा, अगेन यहाँ पर भी जो है वो आपको ग्रीनरी जो है वो कंप्लीट इस सिटिंग एरिया के अंदर मिलेगी, और यहाँ से जो है वो आप एलिवेशन का एक व्यू देख सकते हैं। कार गैराज की अगर हम स्पेसिफिकेशन की तरफ चलें तो आपको 11 फीट हाइटेड ये कार गैराज मिलेगा, जो कि अगेन इनर जो उसकी वॉल है वो ट्रेवर्टाइन के साथ कवर्ड की गई है और स्पॉट लाइट्स का जो है वो यूज़ किया गया है सीलिंग के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ, तो ग्राउंड लेवल से जो है वो आपको 1 फीट की हाइट के ऊपर इसकी मेन एंट्रेंस मिलेगी 2 स्टेप्स के साथ, जिसको डार्क ब्राउन मार्बल के साथ कवर्ड किया गया है, और एंट्रेंस जो है वो इसको ग्रैंड करने के लिए आप ये देख सकते हैं शैंडलियर्स, और 10 फीट हाइटेड आपको जो है वो डोर मिलेगा। डोर के अगर हम हैंडल्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर आपको ब्रास के हैंडल्स और एशवुड जो है वो कम्प्लीट इसके अंदर मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं मेन ग्राउंड फ्लोर के अंदर, तो एंटर होते ही साथ आपको 23 फीट हाइट जो है वो इसकी एक लॉबी मिलेगी, जिसका व्यू आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर। टॉप के ऊपर जो है वो आपको गोल्डन कलर के अंदर शैंडलियर और फर्स्ट फ्लोर की जो है वो स्टेयर मिलेगी। कंप्लीट लॉबी के अंदर आपको लाइट ग्रे कलर की 3x6 की डायमेंशन में जो है वो आपको इम्पोर्टेड टाइल का यूज़ मिलेगा, और रिमेनिंग जो वॉल के आपको जो पोर्शन है उसके अंदर जो है वो नोवा पेंट आपको मिलेगा। अकोमोडेशन और अगर हम फ्लोर प्लान की बात करें तो एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम की एक्सेस मिलेगी, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो डाइनिंग एरिया बिल्कुल आपको ओपन मिलेगा, और डाइनिंग एरिया को अगेन जो है वो क्लासिकल थीम के अंदर आप ये देख सकते हैं दोनों साइड्स के ऊपर आपको पिलर मिलेंगे और ओपन स्पेस मिलेगी। इन फ्यूचर अगर आप इसको कवर्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ग्लास की जो है वो पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया को जो है वो अगेन इंटरकनेक्ट किया गया है किचन के साथ, या आप किचन की जो है वो एक्सेस दे सकते हैं जो कि डाइनिंग एरिया से आपको मिलेगी, और कंप्लीट फ्लोरिंग आपको वुडन मिलेगी, और फ्रंट के ऊपर जो वॉल है उसको ग्लास और टाइल के साथ जो है वो कवर्ड किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, तो ड्राइंग रूम की आप ये देख सकते हैं एक्सेस 8 फीट डोर के साथ,
तो ड्राइंग रूम में एंटर होते ही साथ अगेन आपको डार्क थीम के अंदर इस पूरे ड्राइंग रूम का आपको इंटीरियर मिलेगा। वॉल्स के ऊपर आपको डार्क ग्रे कलर का नोवा पेंट और 9 फीट हाइटेड जो है वो आपको विंडो मिलेगी। ऑलरेडी जो है वो आपको अप्लायंसेस इसकी इंस्टॉल मिलेगी ग्री की, लेफ्ट राइट शैंडलियर और मिड के अंदर जो है आपको इलेक्ट्रिक फैन जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा। डे लाइट आप देख सकते हैं, डे टाइम के अंदर जो है वो इजीली एक्सेस है डाइनिंग एरिया के अंदर। उसके बाद फायरप्लेस की जो है वो ऑलरेडी स्पेस यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर आपको मार्बल और मिड के अंदर ब्रास के जो है वो इसकी कवरिंग मिलेगी। तो ये सब व्यूवर्स ड्राइंग रूम का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं मेन एरिया की तरफ, टीवी लॉन्च। तो यहाँ से जो है वो हमारा टीवी लॉन्च की एक्सेस जो है वो स्टार्ट होती है, जिसको अगेन ग्लास के साथ जो है वो कवर्ड किया गया है और आप इसका कंप्लीट जो है वो व्यू देख सकते हैं। आपको लॉबी से जो है वो टीवी लॉन्च और बाहर जो है वो पैसेज का व्यू मिलेगा। तो टीवी लॉन्च में एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर मीडिया वॉल मिलेगी, जहां पर आप सैमसंग की जो है वो 65 इंच की एलईडी ऑलरेडी देख सकते हैं जो डिस्प्ले में फ्रंट पे आपको मिलेगी। बैक साइड की वॉल के ऊपर आपको वुड और ब्रास के जो है वो स्ट्रिप्स मिलेंगी। एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो फायरप्लेस की भी जो आपको स्पेस मिलेगी, जिसको सराउंडिंग जो है वो टाइल से कवर्ड मिलेगा और मिड के अंदर आपको ट्रेवर्टाइन और रॉट आयरन के जो है वो पैचेस मिलेंगे। कस्टमाइज पेंटिंग जो है वो आपको कंप्लीट हाउस के अंदर जो है वो मिलेगी, जिसके अंदर आप कैलीग्राफी और अदर्स जो है वो ट्रेंडिंग पेंटिंग आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। सीलिंग के डिज़ाइन की तरफ चलें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन मिलेगा। इसके बॉर्डर जो है वो उसको क्लासिकल थीम के साथ कवर किया गया है और सिंपल जो है वो पेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। टीवी लॉन्च के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको किचन की जो है वो एक्सेस मिलेगी और यहाँ पर जो है वो इसका आप व्यू देख सकते हैं, ग्लास से आपको क्लियर व्यू मिलेगा। तो किचन में एंटर होते ही साथ आपको जो है वो कंप्लीट इस किचन का थीम मिलेगा, जिसके टॉप और बॉटम को जो है वो कम्प्लीटली स्टोरेज स्पेस के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ऑलरेडी इसके अंदर अप्लायंसेस में आपको रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और जो है वो कुकिंग के लिए जो है वो आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगी। टॉप को जो है वो 4 फीट हाइट को कोरियन के साथ डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर जो है वो आपको प्रॉपर आप ये देख सकते हैं कटलरी के लिए जो है वो स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगी। स्टेनलेस स्टील की जो है वो आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगी कटलरी के लिए और एक बैक साइड के ऊपर आपको वर्किंग किचन मिलेगा। यहाँ से आप जो है वो इसकी एक्सेस देख सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स किचन का रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं रूम्स की तरफ। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, या आप बेडरूम की जो है वो एंट्रेंस देख सकते हैं। फ्रंट वॉल के ऊपर आपको फीचर्ड वॉल मिलेगी, जो कि ऑलरेडी पैडिंग ग्लास और ब्रास के साथ जो है वो डिज़ाइन की गई है और इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको मीडिया वॉल मिलेगी। वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8 फीट हाइटेड विंडो मिलेगी और उसके बाद अटैच बाथरूम। और बाथरूम जो है वो ओवरऑल अगर हम इसके थीम की बात करें तो बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के अंदर जो है वो इसको थीम दिया गया है, जहाँ पर आपको जो है वो ऑफ वाइट कलर और फ्लोर के ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो थीम मिलेगा। डबल वैनिटी जो कि कम्प्लीटली कोरियन के साथ डिज़ाइन की गई है, जिसके फ्रंट के ऊपर आपको एलईडी और डिफोकर ग्लास मिलेंगे डिस्प्ले में। और अगर हम फिटिंग की बात करें तो आपको इसकी जो कम्प्लीट सेनेटरी की फिटिंग है वो हैंस ग्रोई की मिलेगी। एक कॉर्नर के ऊपर आपको बाथटब मिलेगा और वैनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आप ये क्लोजेट की जो है वो स्पेस देख सकते हैं। उसके बाद वॉल हैंग कमोड और कंसील्ड शावर जो है वो
उसको अगेन ग्लास के साथ आपको ये कवर्ड मिलेगा। तो ये था व्यूअर्स मास्टर बेडरूम का टूर। उसके बाद हम चलते हैं स्टैंडर्ड साइज रूम की तरफ। तो यूजुअली जो आपको स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम मिलेगा उसका फ्लोर जो है वो आप ये देख सकते हैं, टाइल जिसके फ्लोरिंग पे आपको मिलेगी और क्लोजेट की जो स्पेस है वो आपको रूम के अंदर ही मिलेगी। रूम के साथ अटैच बाथ, और ये कंप्लीट बाथ जो है वो आपको लाइट ग्रे कलर के थीम के अंदर मिलेगा, जहां पर आप ये देख सकते हैं ब्रिक्स डिजाइन के जो है वो आपको बैक साइड के ऊपर टाइल के पैटर्न्स मिलेंगे, शॉवर एरिया और सिंगल वैनिटी। तो ये था व्यूवर्स ओवरऑल हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर, जिसकी अकोमोडेशन के अंदर आपको टू बेडरूम, टीवी लॉन्च की स्पेस, सेपरेट डाइनिंग और ड्राइंग रूम एरिया और किचन की जो है वो अकोमोडेशन मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये फर्स्ट फ्लोर की जो है वो आप लॉबी का व्यू देख सकते हैं, जिसके टॉप के ऊपर अगेन जो है वो आपको कस्टमाइज पेंटिंग मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं, और बॉटम के ऊपर जो है वो आपको पाउडर रूम मिलेगा। पाउडर रूम जो है वो ओवरऑल जेट ब्लैक कलर में डिजाइन किया गया है। यहां पर भी अगेन जो है वो नॉर्मली आपको वॉल हैंग कमोड और सिंगल वैनिटी जो है वो मिलती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं दोनों साइड्स के ऊपर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो वुडन बार का हैंडल और मिडल में जो है वो आपको ग्लास मिलेगा। राइट साइड की कंप्लीट वॉल के ऊपर आपको नोवा पेंट और फ्लोर के ऊपर जो है वो आपको मार्बल मिलेगा। यहां से जो है वो आप कंप्लीट घर का टूर, घर का जो है वो व्यू देख सकते हैं। तो यहां पर एंटर होते ही साथ आपको फर्स्ट सबसे पहले जो है वो मोज़ेक, और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड का एरिया जो है उसमें आपको एक बेडरूम मिलेगा, और राइट साइड के ऊपर आपको रिमेनिंग पोर्शन में टीवी लॉन्च और बेडरूम्स मिलेंगे। यहां से जो है वो आप कंप्लीट लॉबी का जो है वो व्यू देख सकते हैं। एक नॉर्मल साइज का जो है वो किचन आपको यहां पर भी डिजाइन हुआ हुआ मिलेगा, जहां पर आप इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी और जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो ऑलरेडी यहां पर आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर सबसे पहले जो है वो इसकी फीचर्ड वॉल मिलेगी, और फीचर्ड वॉल की जो यूनिक चीज़ है उसमें आप ये देख सकते हैं डार्क कलर के अंदर आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे जो है वो वुड के पैनल, और मिड में जो है वो आपको पैडिंग और ब्रास मिलेगी। लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो आप ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो देख सकते हैं, और यहीं से जो है वो आपको बालकनी की स्पेस भी मिलेगी। वॉल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वॉलपेपर्स का यूज किया गया है, फैब्रिक के डिजाइन में आपको इसके इस कंप्लीट जो है वॉलपेपर मिलेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं मास्टर बाथ की तरफ। तो मास्टर बाथ जो है वो आपको लाइट कलर के अंदर मिलेगा, जिसमें आप ये देख सकते हैं आपको फ्लोर के ऊपर जो है वो मैट टाइल मिलेगी, राइट साइड के ऊपर वॉल हैंग कमोड और डबल वैनिटी। ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको फिटिंग का बताया कि हैंड स्क्रू की जो है वो आपको इसके अंदर फिटिंग मिलेगी। एक 6 फीट लेंथ का जो है वो आपको टब मिलेगा। क्लोजेट की जो स्पेस है वो आपको डोर की बैक साइड के ऊपर मिलेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर क्लॉथ हैंग करने के लिए जो है वो सेपरेट केबिन मिलेगी, और ड्रॉअर और केबिन्स के लिए आप ये देख सकते हैं आपको सेपरेट जो है वो स्टोरेज यहाँ पर मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट मास्टर बाथ का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। तो बारबेक्यू एरिया की एक्सेस आप देख सकते हैं, आपको मास्टर बेडरूम, लॉबी, टीवी लॉन्च और थर्ड जो है वो रूम से मिलेगी, यानी इसकी एक्सेस आपको 4 जगहों से मिलेगी। उसके बाद ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च, और ये जो कम्प्लीटली फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च है आप ये देख सकते हैं इसका कम्प्लीट जो वॉल का डिज़ाइन है वो अगेन मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया है,
और मिड के अंदर आपको वुड की पाइलिंग मिलेगी। फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली आपको अगेन केले की जो टाइल है उसके साथ आपको मिलेगा, और सीलिंग का डिज़ाइन अगेन आपको प्लेन मिलेगा जिसमें आपको लेफ्ट राइट शैंडलियर और मिड में जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फैन मिलेगा। दोनों बेडरूम्स के मिड के अंदर आपको एक स्टोरेज की कैपेसिटी मिलेगी। सेकंड बेडरूम में एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है वो आपको एक ओपन एरिया मिलेगा, पैसेज जहाँ पर विंडो दी गई है, और उसके बाद जो है वो क्लोज़ेट की स्पेस वॉशरूम से पहले और वॉशरूम का एरिया। अगेन यहाँ पर भी आपको जो है वो सेम इसकी एसेसरीज मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, और थर्ड बेडरूम भी जो है वो अगेन आपको डार्क थीम के अंदर मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रंट की वॉल जो कि टाइल और ब्रास के साथ कवर्ड की गई है, और अगर हम इसके कंप्लीट फ्लोर की बात करें तो आपको लाइट ग्रे कलर की में जो है वो वुडन फ्लोर मिलेगा। कंप्लीट सीलिंग के डिज़ाइन के अंदर जो है वो आप ये देख सकते हैं स्पॉटलाइट का यूज मिलेगा। उसके बाद अटैच बाथ, और बाथरूम जो है वो आपको इसमें चारकोल कलर का जो है वो इसका ओवरऑल थीम मिलेगा। प्रॉपर जो है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शॉवर का एरिया, सिंगल वैनिटी और क्लोज़ेट की जो है वो स्पेस। तो ये था व्यूवर्स थर्ड बेडरूम का व्यू। उसके बाद हम चलते हैं बारबेक्यू स्पेस की एरिया की तरफ, जिसकी एक्सेस जो है वो आपको चारों साइड से मिलेगी। तो यहाँ पर एंटर होते ही साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेचुरल प्लांट और आर्टिफिशियल प्लांट के साथ जो है वो इसका डिकोर मिलेगा। फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली डार्क ग्रे कलर में आपको इसमें मिलेगा। ओवरऑल अगर हम इसके थीम की बात करें तो ये रिच इंटीरियर के साथ आपका ओवरऑल जो आउटर कोर्टयार्ड है वो डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर प्रॉपर अगर आप यहाँ पर गैदरिंग करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर यहाँ पर जो है वो फायरप्लेस की स्पेस, प्राइवेसी के लिए आप ये देख सकते हैं 10 फीट हाइट जो है वो वॉल डिज़ाइन की गई है, जिसको रॉट आयरन के साथ भी कवर्ड किया गया है। टॉप के ऊपर जो है वो आपको रॉट आयरन के फ्रेम्स मिलेंगे। तो ये था व्यूवर्स वन कनाल हाउस का टूर, जिसकी लोकेशन DHA Phase 6 लाहौर है। आस्किंग प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 14.75 करोड़ है। वीडियो के बारे में मजीद डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।